अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये आज सुबह का ही ये वीडियो क्लिप है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, बाहर बादल हो रहे हैं, कल रात में थोड़ी सी बारिश भी हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है, लंच बन रहा है, चौलाई का साग बना रहे हैं, क्योंकि अब बारिश आ जाएगी तो चौलाई ख़राब हो जाएगी, पत्ती वाली जो जितने भी साग होते हैं ना, सब ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए बारिश में इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आज चौलाई बन रही थी, साथ में चने की दाल थी। अच्छा हाँ, फर्श आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ पे पोछा लगा है, मॉपिंग हुई है, लेकिन हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, तो इतनी ज़्यादा मॉइस्चर हो गई है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है पर फर्श इतना गीला है कि मत पूछिए, सारे फैन भी ऑन हैं। तो बस ये सब चल रहा है। अब इसके बाद चलिए, एक दिन पहले हमने ये रेसिपी बनाई थी, आपके साथ शेयर कर देते हैं। ऐसे तो नॉन वेज ज़्यादा शेयर करते हैं, आज चलिए वेज रेसिपी शेयर कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पे पनीर के थोड़े से बड़े पीस लीजिएगा, मोटे टुकड़े लीजिएगा, उसको मैरिनेट करना है। हल्दी, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में थोड़ा सा ऑयल, बस इतनी चीज़ें डालनी है, और हरा धनिया। इसको डाल के बस इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथ से, मतलब आराम से धीरे धीरे अलट पलट दीजिए, तो थोड़ी देर के लिए ये मैरिनेट हो जाएगा, जब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं अफ़गानी पनीर, और इसे हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई थी, तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाल करके सौते कर लिया है, रफली चॉप है, और एक मुट्ठी काजू डाल दिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर कर देंगे। अच्छा, प्याज का कलर नहीं बदलना चाहिए, बस थोड़ा सा अलटना पलटना है, कवर कर देंगे, प्याज टेंडर हो जाएगी, तो ये एक मसाला रेडी हो जाएगा। इसके साथ एक और मसाला भी बनेगा। अब देखिए, इसको कूल डाउन कर लेते हैं, उसके बाद इसका पेस्ट बनाते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी। उसी पैन में अब हम कर लेते हैं पनीर को सौते, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा बस अलटना पलटना है, तो थोड़ा सा बटर घी लगा दीजिएगा, उसके बाद इसको करिएगा। और ये रेसिपी अगर आप बटर में या घी में बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, उसका फ्लेवर बिल्कुल एक अलग सा आएगा, डिफरेंट आएगा। वैसे आप चाहिए तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। अभी देखिए, एक मसाला और रेडी कर रहे हैं, इसमें दही लिया है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और एक चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है अच्छे से कलर के लिए, और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और इसे अच्छे से बीट कर लीजिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। फिर से बता रहे हैं, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। चलिए इसे साइड में रख देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब जो हमने प्याज बना करके रखी थी वो बिल्कुल कूल डाउन हो गई है, इसमें एक मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, सारा फ्लेवर इसी से आएगा, और जिसमें हमने पनीर को मैरिनेट किया था, थोड़ा सा जार वॉश करके पानी डाल देंगे और इसे पेस्ट बना लेंगे। अभी बहुत ही फाइन पेस्ट आपको बनाना है। देखिए, ये रेसिपी हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, तो खड़े गर्म मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता डाला है, क्रैकल हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था, प्याज काजू वाला, जिसमें हरी मिर्च भी थी, धनिया भी थी, उसे डाल देंगे, स्लो फ्लेम करके डालिएगा, और बहुत ध्यान से ये काम करिएगा, क्योंकि कोई भी मसाला जिसमें ड्राई फ्रूट्स डलता है ना, तो उसमें छींटे बहुत उठती हैं। तो थोड़ी देर इसको हम कवर कर देंगे, जार को वॉश करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसे पक जाने देंगे, थोड़ी देर पक जाने दीजिए। उसके बाद जो दही वाला मसाला बना के रखा, उसे इसमें ऐड कर देंगे। आपको दिख रहा होगा ना, छींटे उठ रही हैं, बहुत छींटे उठती हैं, तो स्लो फ्लेम करके ही ये काम करिएगा, और कवर करके मसाले को भूनिएगा, बहुत जल्दी फटाफट ये मसाला जो है भुन जाएगा। कवर करके देखिए, कर रहे थे, ऑयल रिलीज़ हो गया है, मसाला भुन गया है, और इसका टेस्ट जो है इतना अच्छा आता है, इतना ज़बरदस्त आता है, एक बार मेरे कहने पे बनाइए। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अब बारी है नमक डालने की, तो पनीर में नमक मैरिनेशन में डाला है, अब मसाले के हिसाब से नमक डाल दीजिए, और उसके बाद सबको अच्छे से मिला दीजिए। अब बारी है इसमें पनीर डालने की, तो पनीर जो हमने सौते करके रखा है, उसे इसमें ऐड कर देंगे, और जो पैन है उसको वॉश करके थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, कुछ भी वेस्ट मत करिएगा, और उसी में सारा फ्लेवर भी है पनीर का। अच्छे से इसको मिला दीजिए हल्के हाथों से, पनीर टूटना नहीं चाहिए, इसलिए कहा था पनीर थोड़ा सा मोटा कट करिएगा। अभी ग्रेवी लगाने की बारी है, तो ग्रेवी को हम एडजस्ट करेंगे दूध के साथ, तो बस दूध आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, और कवर करके इसे दम पे रख दीजिए।
तो ये हमारी अफ़गानी पनीर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी, और जब आप ट्राई करेंगे तब आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम लोग फिर और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए इनकरेज होते हैं आपके लिए। शाबान इस्माइल कर लो जल्दी से, हॉर्न बजाइए जल्दी से, जल्दी से जल्दी से, अच्छा सा सामने सामने देखिए, उधर देखिए, वो भैया जाना। तो यहाँ कल शाम को मौसम देखिए अच्छा है, मतलब बादल हल्के से थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो हम लोग अपनी फूफी सास के यहाँ गए थे, उनके बेटे का हल्का सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो आप सोच रहे हो हम हंस रहे हैं क्योंकि हमने हल्का बोल दिया था, हल्का नहीं, एक छोटा सा थोड़ा सा उनको चोट लग गई थी। उनको देखने के लिए वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। तो जहाँ हमारी फूफी सास हैं वहीं पे हमारी चची सास भी रहती हैं, इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, और वहीं हमारा मायका भी है यानी एक ही मोहल्ले में, और वहीं हमारी खाला भी रहती हैं। तो हम सब लोग गए थे, हमारी नंदे थी, हम तीनों देवरानी जिठानी भी थे साथ में, और ये हमारे शाबान को देख लीजिए माशाल्लाह अब नई नई हरकतें करने लगे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है इनको देख करके। और यहाँ पे आप छोटी छोटी क्लिप शूट कर ली थी तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अब वो बिल्कुल ठीक है, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, बस अब थोड़े दिन में प्लास्टर हट जाएगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो हमारे जेठ जो हैं वो हमें लेकर के गए थे, तो थोड़ी देर पुप्पी सास के यहाँ, फिर चची सास के यहाँ, और उसके बाद फिर अजहर के यहाँ गए थे। अब नहीं बुलाएगा, देखो जब हम बना रहे तो नहीं बोला। हाँ बोलो बोलो, अब नहीं बोल रहा है ना। तो अब ये माशाल्लाह जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, अब इनको मम्मा भी चाहिए अपने और अब्बा भी चाहिए। उसके बाद अजहर के यहाँ गए और फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो वहाँ तो कुछ भी शूट नहीं किया था, और हम लोग निकले हैं तो पूरी रास्ते हम लोग को बारिश मिली है, और रात देर रात तक बारिश होती रही। अब इसके बाद फिर आपको एक वेज रेसिपी तो दे चुके हैं, अब एक नॉन वेज रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज जो है, दो बड़े साइज़ का प्याज फाइनली चॉप कर लिया था, और ऑयल में डाल करके इसके कलर बदलने तक इसे पकाना है। मस्टर्ड ऑयल में ये काम हो रहा है, साथ में इसमें एक बड़ी इलायची डाल दी है और दो तेज़पत्ते डाल दिए हैं, छोटे छोटे हैं तो एक डाल दीजिएगा, सॉरी बड़े हैं तो एक डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है, अच्छे से भून दीजिए, अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और इधर देखिए कुकर में जो है कीमा जो है उसको हम प्रेशर कुक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के, एक सिनेमन स्टिक दालचीनी का टुकड़ा डाल करके कीमे को टेंडर कर लेंगे। मटन का कीमा है, और इधर मसाले में बारी है टमाटर डालने की, तो दो बड़े साइज़ का टमाटर जो है उसे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पक जाने देंगे, अभी मसाला तो इसमें ऐड नहीं हुआ है, प्याज और टमाटर को जो है टेंडर हो जाने देंगे। देखिए प्याज और टमाटर टेंडर हो गया है, और उधर कीमा जो है वो हमारा टेंडर हो रहा है। अब देखिए इसमें मसाले में बहुत ही सिंपल सा मसाला इसमें जाएगा, वही रेगुलर मसाला, मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च, और देगी मिर्च है तो देगी मिर्च आप डाल दीजिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दीजिएगा, दो छोटे चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा, अच्छे से इसकी भुनाई कर दीजिएगा, मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ में इसमें ज़ीरा डाल दीजिएगा, खड़ा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा उसे भी डाल दीजिएगा। देखिए मसाला तेल के साथ ज़ीरा हमने नहीं डाला है, ज़ीरा इसमें हम कच्चा देखिए अब ऐड कर रहे हैं। ये देखिए कीमा हमारा जो है वो टेंडर हो गया है, और ये मोटा कुटा हुआ कीमा हमारे पास था, हमने इसे मोटा कुटवाया था, और इसमें एक छोटी सी नली भी डाल दी थी, तो ये आपको बड़े बड़े पीस इसमें चंक्स नज़र आ रहे होंगे। और इसका जो थोड़ा सा यखनी है यानी पानी है उसके साथ ही इसको डालना है, और इसको इसी तरह से आप डालिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। मसाला भुन जाने के बाद इसमें यखनी के साथ कीमा जो है इसमें हमने डाल दिया, पानी बहुत थोड़ा सा डाल करके इसे टेंडर करिएगा। अभी इसको कवर कर देंगे, अब इसे भुनने देंगे। देखिए एक मसाला और बनाएंगे, इसमें काजू है, खसखस है, और नारियल का बूरा है, यानी नारियल जो है सूखा नारियल, ग्रेटेड कोकोनट जो होता है वो आप इसे ले लीजिएगा, स्लो आंच पे इसे भून लीजिएगा, और भून करके इसे ठंडा कर लीजिएगा। एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको ब्राउन करके निकाल लेंगे ऑयल में।
इसे भी ठंडा कर लेंगे। अब इसका एक पेस्ट बना लेना है, यानी जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुना है उसे और साथ में प्याज को डाल के, तो थोड़ा सा पानी इसमें लगेगा, तो थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लीजिएगा। इधर कीमा जो है हमारा अच्छे से भुन गया है, अभी अगर इसमें यखनी है यानी जो पानी है रह जाता है, तेज़ फ्लेम करके उसे भी भून दीजिएगा। अब बारी है जो हमने ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना करके रखा था, ड्राई फ्रूट्स वाला, उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिला दीजिएगा। तो ये कीमा, दम का कीमा जो बनेगा, इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनेगा ना कि हम आपको क्या बताएं। एक बार बना लीजिएगा ना, सच में आप अपनी उंगलियाँ चाट लेंगे और जिसको खिलाएंगे ना वो आपकी वाह वाह करेगा, तारीफ करेगा और पूछेगा ये कैसे बना है। देखिए सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी से मसाले इसमें डले हैं, बेसिक से मसाले जो घर में अवेलेबल होते हैं, और इसको डालने के बाद इसे दम पे रख देंगे। उसके बाद इसमें केवड़ा डाल देंगे, खुशबू के लिए हरी मिर्च डाल देंगे और ऊपर से धनिया डाल देंगे। तो भाई देखिए आजकल धनिया बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, हरा धनिया, क्योंकि बारिश थोड़ी हो गई है ना, तो बारिश में धनिया जो है वो ख़राब हो गया, तो बहुत कम धनिया रहता है। तो हमारे पास थोड़ा सा पुदीना रखा था, तो हमने इसको पुदीने से इस तरह से ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। तो हमने बताया ना, ये रेसिपी आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, और आप अपना फीडबैक बनाइएगा तो बताइएगा कैसी लगी, दावत में कोई पार्टी में आप इसे बना सकते हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।